हेलो जी, वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नए आइडिया के साथ। देख सकते हैं मैंने क्रोशिया से दिया बना रखा है। मैंने तीन तरीके से दिया बना रखा है। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर से देखना। इसको हमने कैसे बनाया है इसको हम एंड में सीखेंगे, तो उसके लिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अब फिलहाल हम ये वाला क्रोशिया से दिया बनाना सीखेंगे। चलिए जी शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सबसे पहला हम एक गांठ लगाएंगे ऐसे। गांठ लगाने के बाद अब हम चार चैन लेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन लेंगे। अब एक दो तीन, तीन चैन छोड़ के चौथी वाली चैन में इसमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब नेक्स्ट वाली चैन में सेम जगह से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन। इस तरह से हम टोटल 14 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अरे लास्ट 14, इस तरह से हमने 14 डबल क्रोशिया बना लिए यहाँ से। अब तीन चैन छोड़ के चौथे वाली चैन में इसमें ऐसे स्लिप स्टिच। अब एक चैन लेंगे, फिर सेम जगह से ऐसे सिंगल क्रोशिया, वापस से एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब अगले वाली चैन में एक सिंगल क्रोशिया, फिर दो। जो ये वाला धागा है इसको हम कट कर देते हैं। अब हर एक चैन में हम एक एक दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब अगले वाली चैन में इसमें भी ये देखिए यहाँ तक हमने हर एक चैन में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब जहाँ हमने स्टार्टिंग में एक चैन ली थी इसमें भी हम ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर दें। ये अब यहाँ एक चैन लेने के बाद वापस से इसमें जहाँ हमने इसको अटैच किया है इसी में से ऐसे हाफ डबल क्रोशिया, फिर अगले वाली चैन में हाफ डबल क्रोशिया। अब जी थर्ड वाला हम चैन में इस तरह से हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाया, जहां हमने तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बनाया है सेम जगह से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। और फिर दो और ये तीन, तीन हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब जो तीसरा वाला है इसमें हम फिर से सेम जगह से ये, अब हर तीसरी वाली चैन में हम दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहां तक बनाएंगे। इस तरह से हमारी थर्ड वाली लाइन बनकर आ गई है। अब इसमें लास्ट वाले ये स्लिप स्टिच से इसको अटैच कर देंगे। और फिर हम यहाँ पे चैन लेंगे एक, एक चैन लेने के बाद वापस से सेम जगह से जिसमें हमने इसको अटैच किया है उसी जगह से एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, एक दो तीन चार पांच, अब ये छह, हमने छह हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। और जो सिक्स्थ वाला है इसमें हम सेम जगह से एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब जो चौथी वाली लाइन है इसको हम हर छठे लूप में दो हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ही यहाँ तक बनाएंगे। ये इस तरह से हमने हर छठे लूप में दो
हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ये, और फिर एक चैन लेंगे। एक चैन लेने के बाद वापस से सेम जगह से हाफ डबल क्रोशिया लेंगे ये, फिर दो तीन चार पांच छः सात आठ, अब ये नौ, हमने नौ हाफ डबल क्रोशे बना लिए हर एक चैन में। और जो नौवां वाला है इसमें हम सेम जगह से एक और हाफ डबल क्रोशे बना देंगे इस तरह से, एक लाइन दो तीन चार पांच। थर्ड वाली लाइन जो हमारी थी उसमें हमने हर तीसरे वाले लूप में दो हाफ डबल क्रोशे बनाए, और उसके बाद जो हमारी फोर्थ लाइन थी उसमें हमने हर सिक्स्थ वाले लूप में दो डबल हाफ डबल क्रोशे बनाए। अब ये हमारी सिक्स्थ वाली रो चल रही है, तो हम हर नवें वाले लूप में दो हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं। जो एक चैन थी और एक ये हाफ डबल क्रोशे हमने बनाया, दो हो गए सेम जगह से, और फिर हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से अटैच करते हैं। ऐसा आ गया यहाँ तक बनके। अब हम हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से हमने हर नवे वाले लूप में दो हाफ डबल क्रोशे बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अब हर एक चैन में एक एक हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरीके से हर एक चैन में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ तक बना लिया है। अभी लास्ट में इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे ऐसे। अब अगले वाली चैन में इसमें भी हम स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। अब हम यहाँ पे दो चैन लेंगे, एक दो, दो चैन ले ली। अब सेम जगह से इसमें ऐसे आप डबल क्रोशिया बनाएंगे। आप ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे। अब फिर हम यहाँ पे तीन चैन लेंगे, एक दो तीन। तीन चैन लेने के बाद जो ये वाला लूप है इसमें हम इसको ऐसे इस तरह स्लिप स्टिच कर देंगे। अब फिर से हम तीन डबल क्रोशिया बनाए, ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से ये। अब हाफ डबल क्रोशिया सेम जगह से। अब हम एक चैन लेंगे, एक चैन लेने के बाद सेम जगह से ऐसे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे पीछे की तरफ इसको हम ऐसे। इसको हम ऐसे पलट देंगे देखिए। इस तरह से हमारा ये दिया बनकर तैयार है। इस धागे को हम कट कर देंगे और अंदर की तरफ छुपा देंगे। ये देख सकते हैं हमारा बहुत ही प्यारा सा ये दिया बनकर तैयार हो गया है। अगर ये वाला आपको पसंद आया हो तो ये दोनों मैंने सेम तरीके से बनाए हुए हैं। अगर ये क्रोशे का ये दिया आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये मैंने सिखाया हुआ है, ये एकदम ही अलग तरीके से मैंने सिखाया है। इसको सीखने के लिए आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। इसकी मैंने वीडियो चैनल पर अपलोड कर रखी है और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, वहाँ से भी आप सीख सकते हैं। तीसरा तरीके से हमने दिया बनाया हुआ है, इसमें थोड़ा सा चेंजेस है, बस सेम तरीका यही है। इसको हमने क्या किया, ऐसे पकड़ा इस तरह से और सुई से यहाँ पे टक मार दिए। मैं करके दिखाती हूँ आपको।
ये देख सकते हैं इस तरह से ये वाला दिया हमारा बनकर तैयार है। आपको इनमें से कौन सा दिया सबसे अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। फिर मिलूंगी आप लोगों के लिए इसी तरह के नए पैटर्न के साथ, नए आइडिया के साथ।